नमो नमः मित्राणि, कथम सन्ति सर्वे। अहम अस्मी देवाशीषः। तो CUCET MA एंट्रेंस सीरीज के क्रम में आज हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। और इसके पहले वीडियो में हमने समास क्या है, ठीक है, समास किन के अनुसार, समास कितने भेद है, समास के किनों ने कितने भेद माने हैं, समास का जो सामान्य परिचय है, किस में कौन से पद के जो अर्थ है उसकी प्रधानता होती है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन और वीडियो डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक दिया है, या फिर जो मेरे प्लेलिस्ट है वहाँ पर, वहाँ से भी आप जो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वो सिद्धि वगैरह की कुछ नहीं जानेंगे, थोड़ा सा हम परीक्षा के दृष्टिकोण में जानेंगे कि अगर कोई समास में पूछता है तत्पुरुष समास से तो उसको हम कैसे पहचाने कि ये तत्पुरुष समास में है। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा और इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें जो JNU BHU आदि टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपरेशन करा, ताकि उसके प्रिपरेशन में भी थोड़ा सा हेल्प हो सके। तो चलिए आज का जो तत्पुरुष समास का जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जिसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है वहाँ तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। और ये जो तत्पुरुष समास है यह 6 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, मतलब 6 भाग इसके विभाजन है। तो पहला है विभक्ति तत्पुरुष, अर्थात जिसमें विभक्ति अर्थात द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आदि जो विभक्ति है, इन विभक्ति के साथ समास होता है वहाँ पे जो तत्पुरुष समास होता है वह विभक्ति तत्पुरुष कहलाता है। और उसके बाद है कर्मधारय तत्पुरुष, अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष, अर्थात जिसमें प्रथमा विभक्ति हो, मतलब अगर सीधा सीधा अर्थ देखा जाए तो जिसमें समान अधिकरण हो, समान समान विभक्ति हो, तो वहाँ पर कर्मधारय जो है वो तत्पुरुष होता है। और कर्मधारय में और तत्पुरुष में और एक होता है कि न्याय तत्पुरुष समास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें निषेधार्थक अव्यय के साथ, ठीक है, समास होता है तो वहाँ न्याय तत्पुरुष समास कहलाता है। उसके बाद है एक गति समास, अर्थात प्र आदि के समान जो गति संज्ञा का भी जो विधान किया गया है, जैसे उरीकृत, शुक्लीकृत इत्यादि जो शब्द के साथ समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, वह गति तत्पुरुष समास कहलाता है। और उसके बाद है उपपद समास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेट में भी पूछता है कि उपपद तत्पुरुष समास, अर्थात जिसमें प्रथम पद उपपद हो और द्वितीय पद अतिगंत हो, ठीक है, तो वहाँ पर उपपद तत्पुरुष होता है, जैसे कुंभकार, कुंभम करोति इति कुंभकार, ये उपपद समास है। तो इस प्रकार से जो है तत्पुरुष समास को 5-6 भागों में विभाजित किया गया। तो आइए आप थोड़ा थोड़ा करके हम विभक्ति तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि विभक्ति तत्पुरुष, तो सबसे पहला तत्पुरुष, ठीक है, तत् अधिकारो अयम प्राक बहुब्रेही, अर्थात जो एक बहुब्रेही जो अधिकार सूत्र है उससे पहले पहले जितने भी सूत्र आएंगे वो सब तत्पुरुष के अधिकार में आएगा, ठीक है। तो तत्पुरुष का पहला है कि द्विगुश्च, ये जो तत्पुरुष संज्ञा होता है ना, तत्पुरुष संज्ञक, वो द्विगु संज्ञक भी होता है, अर्थात जो जो जितने भी आपका तत्पुरुष संज्ञक, तत्पुरुष आपका समास होता है वो द्विगु संज्ञक भी होता है, ठीक है। तो पहला सूत्र है द्वितीय विभक्ति के रिलेटेड कि द्वितीय श्रित अतीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नई, अर्थात द्वितीयांत सुबंतों का श्रित अतीत पतित गति अत्यस्त प्राप्त आपन्न प्रकृति वाले सुबंतों के साथ विकल्प से समास होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे इसमें देख लेते कि जैसे अव्यय भाव में हम क्या देखे थे, अव्ययम, अव्ययम विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, तो इस प्रकार से जितने भी थे उसमें उनके साथ अव्यय भाव समास होता है। और इसमें जो द्वितीय आपका तत्पुरुष है वो इनके साथ होता है, श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त, तो इसमें देख लेते हैं उदाहरण हम, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है उदाहरण। तो श्रित के अर्थ में जो द्वितीय तत्पुरुष होता है वह कृष्णाश्रित, अर्थात कृष्णम श्रित इति कृष्णश्रित, कृष्ण अम और श्रितिसु। अतीत के होता है आशातीत, ठीक है, प्राप्त में होता है कि सुख प्राप्त, सुखम प्राप्त इति सुख प्राप्त, क्या है, द्वितीय तत्पुरुष समास। उसका था आपन्न, संकटापन्न, ये हम यूज करते हैं सुख प्राप्त संकटापन्न, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन सा समास है, तो पता कर लीजिए ये है द्वितीय तत्पुरुष समास। और तृतीय में होता है तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, अर्थात तृतीयांत सुबंध का तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किए गए गुणवाचक
सुबंध के साथ और अर्थ के साथ विकल्प से समास होता है वो उनकी तत्पुरुष संज्ञा होती है। अर्थात जो आपका हो गया गुण और वचन के साथ, जितने भी शब्द है गुण वचन से रिलेटेड उनके साथ जो समास होता है वो तृतीया तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे शंकुला खंडहा अर्थात शंखुलया खंडहा, तो इसमें देखिए शंकुलया ये तृतीया विभक्ति है, शंखुला टा खंडसु, ठीक है, धन्यार्थः धन्येन अर्थः, तो ये देखिए, तो ये जो है गुणवाची शब्द के साथ हुआ है और जो है अर्थवाची शब्द के साथ हुआ है, जो इन गुणवाची और अर्थवाची समर्थ सुबंध के साथ किया होता है तृतीया तत्पुरुष होता है। इसके बाद है कर्तृकरणों कर्तृकरणे कृताबहुलम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कर्ता और करण के अर्थ में वर्तमान तृतीयांत सुवर्त सुबंध का के साथ बहुलता से समास होता है और वह तत्पुरुष संज्ञक होता है। अर्थात कर्तृकरणे कृताबहुलम, इसका उदाहरण है नखभिन्नः नखै भिन्नः इति, नखभिन्नः हरित्रातः अर्थात हरिणात्रातः, हरिणा तृतीय विभक्ति है, ठीक है, हरि टा। और चतुर्थी विभक्ति में कहते चतुर्थी तदार्थ बलि हित सुख रक्षित ही, अर्थात बलि, ठीक है, अर्थ हित और रक्षा के अर्थ में जो है वो जो समास होता है वो चतुर्थी तत्पुरुष के अर्थ अंतर्गत आता है। जैसे यूपदारु अर्थात यूपाय दारु, ये दारु अर्थ का मदिरा नहीं है, ठीक है, यूपदारु लकड़ी का अर्थ था जो यज्ञों में प्रयोग किया जाता है। यूपदारु द्विजार्थ, ठीक है, द्विजाय अर्थ, ये जो है अर्थ के लिए होता है। बलि में भूत बलि, ठीक है, भूताय बलि, उसके बाद हित गोहितम, और उसके बाद सुख में गो सुखम, और रक्षितम में गो रक्षितम अर्थात गोव्यहितम गायों के लिए हित, गोव्य सुखम गायों का सुख, और गो रक्षितम गायों की रक्षा करना चाहिए। तो ये जो है आपका जो उदाहरण है वो चतुर्थी तत्पुरुष समास का है। उसके बाद पंचमी में है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम तो जानते ही हैं कि बालकः सिंहात, हाँ, या फिर चोराद भयम, चोर भयम हम पढ़ते हैं अगर हम जब अनुवाद वगैरह करते हैं, तो वो जो होता है वो सूत्र पंचमी वयेन, ठीक है, अर्थात चोराद भयम सिंहाद भयम सर्पाद भयम इति, तो ठीक है, वो है भयवाची जो सुबंत है और जो समर्थ सुबंत का जो समास होता है वो पंचमी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। और पंचमी में ही और होता है कि स्तोकादिभ्या अर्थात स्तोक आदि शब्द के साथ भी जो समास होता है वह पंचमी तत्पुरुष में आता है। जैसे स्तोकान्मुक्तः स्तोकाद्मुक्तः, दूराद आगतः दूर से आया है, दूराद आगतः बहुत दूर से आया है, तो इसमें भी पंचमी है। कृच्छाद आगतः, ठीक है, तो इसमें देखना है जो पंचमी तत्पुरुष समास का पहचान करना बहुत सरल है, उसमें विभक्ति लगा हुआ होता है, ठीक है, तो देख के समझना है कि जब जिसमें भी विभक्ति हो वह आपका तत्पुरुष समास में आएगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, देखते रहिए तभी आपको समझ में आएगा, पता नहीं कि जो एग्जाम है उसमें कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए जो समास के अंतर्गत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। षष्ठी विभक्ति में आता है कि षष्ठी, उसका षष्ठी तत्पुरुष का सूत्र ही है षष्ठी, तो षष्ठ्यन समर्थ सुबंतम समर्थन सुबंतन सम विकल्पन समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। जैसे षष्ठी समास में क्या है, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, ठीक है, मनोविकार मनसः विकार इति मनोविकार, और उसका सप्तमी शौंडई, ठीक है, अक्षशौंडः अक्षेषु शौंडः इति अक्षशौंडः, इनको आपको बस ये करना है सूत्र लिखना है और सूत्र के सामने आपका उदाहरण लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि अक्षशौंड दे देगा इसमें क्या मतलब कौन सा सूत्र लगाए, सप्तमी शौंडई या फिर षष्ठी, इस प्रकार से दे देगा, ठीक है। उसका देख लेते हैं कि दिक् संख्ये संख्यायाम अर्थात दिग्वाची और संख्यावाची शब्द के साथ जो समास होता है वो भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। जैसे पूर्व पूर्वेशु कामशमी, तो पूर्व है, पूर्व क्या है, दिक् के अंतर्गत आता है, पूर्व च असौ इषु कामसमी अर्थात पूर्वेशु कामसमी, ये है आपका तत्पुरुष समास। उसके बाद है संख्या सप्तर्षया, तो इसमें भी थोड़ा देखिए, इसमें भी है, ठीक है, संख्यावाची इसमें भी है, अच्छा संख्या तो इसमें द्विगु संज्ञक तो होता ही है वैसे भी, ठीक बात, तो सप्तर्षय अर्थात सप्तचते ऋषय, तो इसमें संख्या इसीलिए इसका द्विगु में भी होगा और तत्पुरुष में भी होगा, ठीक है। उसके बाद है तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे, तो इसका तद्धित प्रत्यय के अर्थ में, जैसे पूर्वस्याम इसमें क्या इसका अर्थ देख लेते हैं, तद्धित प्रत्यय के अर्थ का विषय होने पर उत्तर पद परे होने पर समाहार वाक्य होने पर दिशा और संख्यावाची समर्थ सुबंध के साथ समानाधिकरण समर्थ सुबंध के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे पूर्वशाला पूर्वस्याम शालायाम भवः, तो पूर्वागी शालागी। उसके बाद पंचमी
पंच गवधनः, पंच गावो धनम यस्य, पंच गवधनः। इनको थोड़ा ये थोड़ा एक्सेप्टेशन है, ठीक है, मतलब अपवाद के अर्थ में आते ये जो उदाहरण है इनको थोड़ा ध्यान रखना कि ये तत्पुरुष में बनते हैं। और उसके बाद है कर्मधारय, तो कर्मधारय का क्या है, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है। और संख्या पूर्वोदिगु, संख्या पूर्वोदिगु अर्थात जिसमें पूर्व में संख्या वो दिगु, और दिगु एक वचनम अर्थात जो दिगु समास है ना वो एक वचन में ही होता है, ठीक है, दिगु समास एक वचन में ही होता है। और वह क्या होता है, स नकुम नपुंसकम, और जो स नपुंसकम से जो दिगु समास है जो बनता है वो नपुंसक संज्ञा में बनता है। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि दिगु समास में नपुंसक या फिर तत्पुरुष में नपुंसक कौन से सूत्र से होता है, अव्ययीभाव, अव्ययीभावश्च स नपुंसकम, ठीक है, दिगुरेकवचनम, तो इसमें आपको याद रखना है स नपुंसकम। और जैसे उदाहरण है पंच गवम, पंचानाम गवानाम समाहारा, तो इसमें ये तो संख्यावाची भी है, ठीक है, उसके बाद दिगु संगक भी है, पंच गवम एक वचन में भी होता है, ठीक है, अलग ही इसमें इसका समारोह में पंचानाम गवाह में, लेकिन ये शब्द है एक वचन में क्योंकि द्विगु रे के वचनम, और क्या है स नपुंसकम, और यह नपुंसक वाच्य में है। उसके बाद है विशेषणम विशेषेण बहुलम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे नीलोत्पलम इसमें आता है, नीलम च उत्पलम, नीलम च तद उत्पलम नीलोत्पलम, नीलम नीलसु उत्पलसु कृष्ण सर्प, कृष्ण च असौ सर्प, महापुरुष महा च असौ पुरुष, सत्पुरुष संत पुरुष, ये जितने भी है विशेषण विशेषण से रिलेटेड है, ठीक है, संत पुरुष, पुरुष कैसा है संत है सत है, तो विशेषण और विशेष का जहाँ होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे वो पुरुष कैसा है महान है, ठीक है, सर्प कैसा है काला है, इस प्रकार से, तो इसमें क्या है विशेषणम विशेषेण बहुलम, ये कौन सा सूत्र से होता है विशेषणम विशेषेण बहुलम, याद रखना। उसके बाद है आपका उपमानानि सामान्य वचनानि, अर्थात उपमानानि वाचानि अर्थात जिसमें उपमान दिया गया हो, ठीक है, ऐसे समर्थ सुबंध के साथ जो है जो समास होता है वह आपका तत्पुरुष समास होता है। जैसे घनश्यामः, श्याम कैसा है घन है, ठीक है, घनश्यामः, शाक पार्थिव शाक प्रिय च असौ पार्थिव शाक पार्थिव, देव ब्राह्मण देव पूजक च असौ ब्राह्मण, ब्राह्मण कैसा है देव पूजक है, ठीक है। उसके बाद मृग चपला, चपला इति मृग मृगी च मृगी इव चपला, मृग के समान चपला, तो जहाँ पर उपमान दिया गया हो सामान्य कथनों के साथ वहाँ पर जो समास होता है वह तत्पुरुष समास होता है। इसका नए तत्पुरुष देख लेते, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे नए समर्थ सुबंध के साथ समास होता है समर्थ सुबंध का, तो वहाँ पर जो है नए तत्पुरुष समास होता है। जैसे अब्राह्मण ना ब्राह्मण इति अब्राह्मण, अनश्व ना अश्व इति अनश्व, ना धर्म इति अधर्म, तो इसमें ना पहले है इसलिए ना तत्पुरुष समास है, ठीक है, इसमें बहुत मैंने उदाहरण दिया है, ठीक है, अनात्मा अनुत्साह अनेक ना एक इति अनेक, असंदेह ना संदेह, अनुक्ता असाधु अज्ञ अपंडित अविवेक, ये न तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आएंगे। उसके बाद है कुगति प्राधेय, अर्थात कुगति प्राधेय कुगति, ठीक है, कु शब्द गति संजक शब्द तथा प्रादि शब्द समर्थ सुबंध के साथ नित्य समास होता है, तो वहाँ पर जो है आपका तत्पुरुष समास होता है। जैसे कुपुरुष, इसमें पहले कु है, ठीक है, कदन्नम कुत्सितम अन्नम, कुपरीक्षिका कुत्सिता परीक्षका कुपरीक्षका, प्राचार्य प्रगत आचार्य, तो ये जो है आपका तत्पुरुष समास में अंतर्गत आएगा। उसके बाद बहुब्री समास, तो बहुब्री क्या होता है शेष हो बहुब्री, सभी शेष में बहुब्री होता है, ठीक है, और अनेकम अन्न पदार्थ की ये अन्न पद के अर्थ में वर्तमान एक से अधिक प्रथमांत विकल्प से समास होता है वह बहुब्री संज्ञक होता है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और ये वह व्रीह यस्य इति बहुब्री, इसका जो बहुब्री जो है वो भी बहुब्री समास से ही सिद्ध होता है, जो बहुब्री शब्द का समास करते हैं तो वह होता है वह व्रीह यस्य इति बहुब्री। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं कि चतुर्मुख, ठीक है, बहुब्री में क्या है चत्वारी मुखानी यस्य सः अर्थात चतुर्मुख, और बहुब्री में क्या होता है सप्तमी विशेषण वशले, इसे कंठे ताला, ये भी बहुब्री, कंठे काला यस्य सः कंठ काला, पीताम्बर पितानी अम्बरानी यस्य सः। तो बहुब्री का पहचानने के लिए आपको मैं एक ट्रिक्स बताता हूँ कि जिसमें होगा यस्य यस्य और सः, यस्य का मतलब होता है कि जो अर्थात अन्य,
अर्थात जिसमें अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है वह बहुव्रीहि कहलाता है। ठीक है, जिसमें भी हो यस्य तो वो आप समझ लेना जिसके विग्रह में भी हो वो बहुव्रीहि में ही होगा। ठीक है, ये आपको मैं बता दिया। तो इसके बाद आपका द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास हम अगली वीडियो में जानेंगे। आपका तो ये थोड़ा सा बहुव्रीहि दोहित सूत्र था और उदाहरण देख लेना, चतुर्मुख इसमें चतवारी है लेकिन ये आपका उसमें नहीं आएगा, शंखापूर्व द्विगु में नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुव्रीहि में आएगा क्योंकि इसका जो विग्रह है वो है चतवारी मुखानी यस्य। तो इस प्रकार से मैंने आज के वीडियो में तत्पुरुष समास के और बहुव्रीहि समास के बारे में बताया, जो आई होप ये वीडियो थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के वीडियो में इतने, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।